बहुत सारे भक्त हमेशा पूछते रहते हैं कि जी हम पे कोई शक्ति थी अब असर नहीं करती, हम पे कोई शक्ति पहले मुझे पता था कि मेरी शक्ति थी, मेरे कहना मानती थी, मैं जो बोल देता था वो हो जाया करता था, पर अब वो काम नहीं कर रही है। पता नहीं हम किसी गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने हमारी शक्ति उतार ली, हमारे खुद के जो गुरुजी थे उन्होंने हमारी शक्ति बांध दी, हम किसी तांत्रिक के पास गए थे उसने हमारी शक्ति उतार के हम पे गंदी शक्ति भेज दी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे भक्त बोलते हैं। आज मैं चीज बता रहा हूं आपको कि भाई आप ये काम ना करें ताकि आपकी शक्ति आपके पास बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो ना अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं, क्रिया कर देते हैं जिनसे उनकी शक्तियों के ऊपर आफत आ जाती है, शक्तियां उनको उतार ली जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि किसी ना किसी भक्त की, आप जैसे मुझ जैसे किसी भक्त की मदद हो जाए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धमार की, जय बाबा बागड़ की सरकार की, जय मेरे गोरख तेरी सदा है जो। तो भक्तों मैं बताता हूँ आपको आज कि हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं। देखिए हम लोग बहुत धार्मिक टाइप के लोग हैं, पर जितने हम हैं उससे ज्यादा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया कुछ? हम धार्मिक हैं पर हम जितने धार्मिक हैं उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अपने मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, हम अपने घर में पूजा नहीं करते, हम अपने आसपास के मंदिर में पूजा नहीं करते, पर हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं वैष्णो देवी धाम की यात्रा, खाटू श्याम ध्यान की यात्रा, मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा, ऐसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। घर में हम पूजा नहीं करते हैं, हम अपने पास के मंदिर में नहीं जाते, हमें ये नहीं पता हमारे पास में मंदिर कौन सा है, हमें ये नहीं पता उस मंदिर में किन किन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, नहीं। पर हम दिखाएंगे फेसबुक पे, यहाँ जा रहे हैं, इस धाम जा रहे हैं, उस धाम जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जय श्री बालाजी, यहाँ पे खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब पे जगह गुदवाए फिरते हैं हम लोग, और फोटो खींच खींच के फेसबुक पे उन पे डालते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं हम कितने बड़े भक्त हैं। सबसे पहली गलती तो यही है कि कोई भी शक्ति अगर आपके पास है और आपको उसको दिखाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है वो शक्ति आपसे रुष्ट होगी, आपसे स्वयं ही हट जाएगी, कोई उतारेगा तो बात है, पहले स्वयं ही हट जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों को ना जगह जगह बाबा जी से आशीर्वाद लेने की आदत है। देखिए सब तो नहीं होते पर कोई ना कोई एक चिल्लम पार्टी जरूर होता है बीच में, हम किसी मंदिर पर गए, किसी धाम पर गए, वहाँ बहुत सारे बाबा बैठे रहते हैं ऐसे ही, हमें सबके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेने की आदत है, सबके सामने हम ऐसे। जी मेरे को एक बात चीज़ समझ में आती, भैया हम बाबा के धाम गए, किसी भी धाम गए, जो सबसे बड़ा शक्तिशाली है उसके तो हम दर्शन कर लिए, अब हमें लाइन में लग कर उस सारे बाबाओं के पैर छूने हैं, क्यों? कोई ना कोई उनमें ऐसा जरूर होगा, 100% होगा जो जानता है आपकी शक्ति क्या कर रही है, आपके ऊपर किस देवी देवता का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है, शक्ति है, वो तुरंत आपकी शक्ति को बांध लेगा, तुरंत धर देते हो सिर पर हाथ धरता है, ले लेता सारी चीजों को। मतलब हमें ना आशीर्वाद लेने की इतनी ज्यादा बड़ी वो है, हम किसी के सामने भी अपना मस्तक झुका देते हैं आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। भाई सबको प्रणाम करना सही है पर सबके सामने मस्तक झुका के उनका सिर पे हाथ रखवाना या उनसे तिलक लगवाना जरूरी नहीं है। हर कोई अच्छा नहीं होता, ये संसार है, मोह माया रूपी ये संसार है, इसमें दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, दुनिया चीजों के पीछे भाग रही है, तो हर किसी के सामने मस्तक झुकाना भी सही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ के वीडियो पे कि सब पैसे के पीछे भागे, मैं भी भागता हूँ भाई, मैं भी अभी समय हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के तुरंत जाऊँगा, नहाऊंगा धोऊंगा ऑफिस भागूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, पैसा कमाना है, फिर बीच बीच में आप लोगों के फोन अटेंड करता हूँ, तो एक चीज़ है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे पॉजिटिव वे में लूँ। पर बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको बैठे बैठाए पैसे चाहिए, तो वो आप जैसे दुखिया को, आप जैसे
जो भक्त आते हैं उन्हीं को शक्तियाँ उतार उतार के उन्हीं की शक्ति को इधर उधर फेंकते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। जो कहते हैं ना हमने उसको बांध दिया चिंता मतलब उसका बर्बाद कर देंगे, उसको पैसा लेंगे आपसे उस चीज़ को करने का ना, और वो जो बर्बाद करने के लिए वो आप ही की शक्ति भेज दी उसने भाई, आपको पता ही नहीं चला। थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करें, हर किसी के सामने मस्तक ना झुकाए। अगर आपको खासकर जब जब आपको आपको पता है कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है या आपके साथ कोई ऊर्जा है आपको महसूस होती है, तो भाई हर किसी के सामने अपना सर ना झुकाए, हर किसी के को अपना आज्ञा चक्र छूने ना दें, हर किसी को आपके सिर पर हाथ रखने ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस सेंस में आपके सिर पर हाथ रख रहा है। कोई कोई नालायक भी होता है ना। तो एक चीज समझ के रखिएगा कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं आपके पास शक्ति है, हर किसी को ना बताएं कि मेरे पास शक्ति है, हर किसी को ना समझाएं। आपको जो कार्य दिया गया है ईश्वर की तरह से उस कार्य को पूर्ण करें। आप हर किसी को बताते फिरते हैं कि हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास ये है, कोई ना कोई तो टकराएगा भाई। जिसके पास हो सकता है आपसे 5 रुपया ज्यादा ताकत तो वो आपकी ताकत ले लेगा फिर। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसलिए ये होता है कि हम लोग गए धाम पे, गए हमारी शक्ति थी हमारे साथ, जब हम धाम पे गए दर्शन किए, हम तो गए तो अच्छे के लिए थे पर वहां पर हो गया उल्टा, हमारी शक्ति भी नहीं धाम पे रह गई, किसी ना किसी ने वो शक्ति वहां से खींच मारी। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एक से एक जो देखते हैं आपको समझ जाते हैं कि आपकी शक्ति है और फिर वो आपकी शक्ति को कैप्चर कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी वही शक्ति कहीं ना कहीं गंदी क्रिया में छोड़ दी जाती है, कहीं ना कहीं गलत क्रिया में छोड़ दी जाती है और उसका नुकसान आपको भी होता है कहीं ना कहीं साथ में, क्योंकि शक्ति आपकी थी। तो सबसे पहला काम तो ये कि भाई अपनी पूजा को ना सुदृढ़ करें, मजबूत करें, हर किसी को ना बताएं, हर किसी को ना जचाएं और अपनी शक्ति को ताकतवर बनाएं। हर किसी के सामने सर ना झुकाएं, हर किसी के सामने माथा ना टेके। जब आप परम शक्ति के सामने टेक रहे हैं तो बस इनफ है, बहुत है। मैं किसी के आदर या अनादर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर किसी के चरणों में गिरने की बात कर रहा हूं। आदर सबका करना, नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबका आदर है, पर हर किसी के चरणों में ना गिरने, क्योंकि वो व्यक्ति चरणों में गिरने लायक है या नहीं ये आप नहीं बता पाओगे, ये आप नहीं समझ पाओगे, और उसका परिणाम होगा कि आपकी शक्ति चली जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज आपको एक सीख मिली होगी इस वीडियो से, तो उसको अपनाएं, खुद को खुद की शक्ति को बचाएं। जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम महाराज।